नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परम पिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये मेरा वीडियो भारत के इतिहास के वो सच बताने वाला है जो आपको जरूर जानने चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी, आप एक अलग इंसान हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, इतिहास है क्या? तो इतिहास दो शब्दों से बना है, इति धन हास, इति यानी ऐसा, हास यानी था, यानी इतिहास में जो सत्य है, जो घटना बीत चुकी है उसको बताया जाता है। हमें हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारी संस्कृति परंपरा के बारे में हमको जानने को मिलता है इतिहास से, जिससे हमें गर्व की अनुभूति होती है। परंतु हम जो स्कूल में इतिहास पढ़ाते हैं वो विकृत इतिहास है। इतिहास को विकृत बनाने का, झूठा इतिहास लिखने का काम किया था अंग्रेजों ने। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, भारत की शिक्षा नीति मैकाले ने तैयार की थी। तो इस शिक्षा नीति को तैयार करने से पहले उसने लॉर्ड गवर्नर को एक पत्र लिखा था। उसमें उसने लिखा था कि मैंने भारत का भ्रमण किया तो पाया कि भारत एक महान देश है, यहाँ के लोग स्वाभिमानी हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, मुझे पूरे भारत में कोई भी भिखारी नहीं मिला। इस देश को गुलाम बनाना मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाए तो इस देश को गुलाम बनाया जा सकता है। तो इसके बाद लॉर्ड मैकाले ने वही किया, उसने मैक्स मूलर जैसे इतिहासकारों को भारत का इतिहास लिखने का काम सौंपा। उन्होंने भारत को अति पिछड़ा दिखाया, उन्होंने भारत को मदारियों का देश बताया। और दोस्तों, इसके अलावा अंग्रेजों की नीति रही है डिवाइड एंड रूल, उन्होंने भारतीय समाज को जाति के नाम पे और धर्म के नाम पर बांटा। तो दोस्तों, आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो उसका कारण होता है कि जो यदि आप जिस पर शासन करने वाले हो उस प्रजा को इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कम तरीके एहसास से भर देते हो तो वॉरियर प्रजा जो होती है वो लूजर बन जाती है। तो ये थी अंग्रेजों की कहानी। और उसके बाद भारत का दुर्भाग्य, हम भारतवासियों का दुर्भाग्य कि स्वतंत्रता के बाद इतिहास लिखने का काम रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे वामपंथी इतिहासकारों को सौंपा गया। तो इन्हीं कमजर्व इतिहासकारों ने मुगलों, तुर्कों, अंग्रेजों का गुणगान किया। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम पहली ऐसी कौम है, हम उनका गुणगान करते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, जिन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया। लेकिन दोस्तों, ये ज्ञान विज्ञान का युग है, आज का युवा जो है उस सत्य को ढूंढ लेगा। तो देखिए, सत्य नंबर एक, इतिहास में लिखा जाता है कि भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, लेकिन ये पूरा झूठ है। तो दोस्तों, भारत का पूरा इतिहास मुगलों को महान बनाने के लिए लिखा गया है। मुगल शासक अकबर से शुरू होकर औरंगजेब पर खत्म हो जाता है। बामुश्किल भारत के कुछ हिस्सों पर मुगलों का 125 वर्ष तक शासन रहा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कश्मीर के एक राजा हुए ललितादित्य मुक्त पीड़ा, इनका साम्राज्य मुगल साम्राज्य से 2 गुना था, मगर आपने कहीं भी ललितादित्य मुक्त पीड़ा का नाम कहीं नहीं सुना होगा। अकबर पूरी जिंदगी राणा प्रताप से लड़ता रहा। राणा प्रताप ने अकबर के सभी सेनापतियों को धूल चटाई। हमें बताया जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, जिसमें राणा प्रताप की जो सेना थी वो अकबर से हार गई। मगर आपने 1563 के युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा होगा, जिसमें अकबर ने 36,000 मुगलों को गाली मुझे की तरह काट डाला और उसके बाद जो मेवाड़ था उसको पुनः अपना शासन स्थापित किया। तो कोई भी मुगल बादशाह नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं गया। नाक काटी रानी ने जहांगीर के सेनापति को नाक काटकर बुरी तरह से पराजित किया था। आसाम के अहोम शासकों का मुगलों में बड़ा ही जबरदस्त खौफ था, उन्होंने कभी भी आसाम की ओर मुंह उठाकर नहीं देखा। औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी ने कभी भी महाराष्ट्र में शासन स्थापित नहीं किया। कोई भी मुगल शासक दक्षिण भारत की ओर कभी भी आंख उठाकर नहीं देखा। तो फिर ये मुगलों का शासन कहां से हुआ? मुगल कैसे महान हो गए? दोस्तों, राणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने कैद में रखा था, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को 6 महीने तक कैद में रखा था। महाराणा सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को गागरोन के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था, मगर आपने ये सब नहीं पढ़ा होगा। आप कौन से पढ़ते हो? आप पानीपत का युद्ध।
पृथ्वीराज चौहान ने तराई के युद्ध से में मोहम्मद गोरी को हराया, बुरी तरह से पराजित किया। मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हो गया। उसने पृथ्वीराज चौहान से अपने प्राणों की भीख मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ भी कर लिया। इसके बाद दूसरे तराई के युद्ध में पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया और उसके बाद उसने जो दिल्ली में मार काट मचाई, उसने जो दिल्ली के लोगों पर जुल्म ढाए, वो मैं आपको बता नहीं सकता और आप सुन नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने, हमारे शासकों ने और हमने भी इतिहास से कुछ नहीं सीखा, और इतिहास बड़ा क्रूर शिक्षक है। जो भी इतिहास के पाठों को भूल जाता है, इतिहास उसे सजा देता है और हमें उसकी सजा मिली। महाराणा बप्पा रावल मोहम्मद कासिम को पीटते हुए ईरान तक छोड़कर आए थे। अफगानिस्तान में उस समय सलीम नामक एक शासक था, उसको पदभ्रष्ट किया गया और बप्पा रावल के ने अपने भतीजे को अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठाया। इसके बाद महाराणा बप्पा रावल ने 100 किलोमीटर पर राजपूतों की चौकियों की स्थापना की। तो उसका प्रमाण यह है कि 7वीं से लेके 1192 तक लगभग 500 वर्षों तक मुगलों ने, इस्लामिक आक्रमण आक्रांताओं ने भारत की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की। इसका कारण था महाराणा बप्पा रावल। मेवाड़ के वंशज राणा कुंभा, महाराज हमीर सिंह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, समर सिंह, महाराणा लाखा, महाराणा करण सिंह, राज सिंह ने इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए अपना सपना, अपना सब कुछ नौछावर कर लिया। पूरे मानव इतिहास में आपको इस तरह का कोई भी उल्लेख देखने को नहीं मिलेगा, उदाहरण नहीं देखने को मिलेगा। 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी, 1000 साल तक सिसोदिया राजपूतों ने मुगलों को, इस्लामिक आक्रांताओं को टक्कर दी, उनको भारत में स्थापित नहीं होने दिया। ये इस एकमात्र उदाहरण है इतिहास में। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि मुगलों ने भारत में पूरा शासन स्थापित कर लिया? अगर 5 वर्ष भी मुगलों अथवा तुर्कों का भारत में शासन होता तो भारत में एक भी हिंदू नहीं बसता। इतिहास उठा के देखिए, पर्सिया पे मुगलों का और पर्सिया बन गया ईरान, मेसोपोटामिया पर इस्लामिक आक्रांताओं ने आक्रमण किया और वो बन गया इराक, इजिप्त भी आपके सामने उदाहरण है। तो दोस्तों, ये गलत है कि भारत में 1000 साल तक भारत गुलाम रहा। भारत के कुछ इलाकों में जो विदेशी आक्रांताए थे उनका शासन रहा, या फिर वो भारत में से लूट कर बाहर चले गए। सत्य नंबर 2, भारत की संस्कृति सबसे पुरानी है। दोस्तों, ग्रीक संस्कृति 3500 वर्ष पुरानी है, चीनी संस्कृति 3000 पुरानी है, परंतु भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है। हरियाणा में एक स्थल मिला है जिसका नाम है भिरांडा। वहां से हमको हड़प्पी संस्कृति के अवशेष मिलते हैं जो 9500 साल पुराने हैं। तो दोस्तों, जब यूरोप पत्थर युग में जी रहा था, पाषाण युग में जी रहा था, उस समय भारतीय संस्कृति उन्नत के शिखर पर थी। जेनेटिकल साइंस ने सिद्ध किया है कि डीएनए का हैप्लो ग्रुप एप, इसमें एम और एन जो है, ये भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैला है। जो 90% जो मेल का, पुरुषों का जो डीएनए है वो हैप्लो ग्रुप एप से जुड़ा है, यानी कि 90% जो पुरुष वंशज हैं अफ्रीका के अलावा के, वो कभी ना कभी उनके जो पूर्वज थे वो भारत के निवासी थे, जो भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। और भारत में वही संस्कृति देखने को मिलती है, उसी की कंटिन्यूटी है जो हड़प्पा काल में देखने को मिलती है। हड़प्पा काल में फीमेल स्टैचूस मिली है, महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं जिनमें दिखाया गया कि उन्होंने माथे पर सिंदूर लगाया, उनके माथे पर बिंदी है, जो परंपरा आज भी भारत में चली आ रही है। हड़प्पी काल में हमको शिवलिंग के अवशेष मिले हैं और वही शिवलिंग आज भी हम पूजा कर रहे हैं, यानी कि 9500 साल, कम से कम 9500 साल पुरानी हमारी संस्कृति है। और ये कोई सामान्य संस्कृति नहीं थी, ये दुनिया की पहली वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन था। हड़प्पा संस्कृति की नगर रचना वेल प्लान्ड थी, उस समय हाईवेज थे जिससे दूसरे नगर भी उन हाईवे से जुड़ते थे। रास्ते ऐसे शानदार बनाए जाते थे स्ट्रेट कि तेज हवा बहती थी तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते थे। और हड़प्पी संस्कृति पूरे देश में व्याप्त थी, ये खाली एक नगर नहीं था, पूरे देश में व्याप्त थी। गुजरात में लोथल, धोरावीरा, रंगपुर, राजस्थान में कालीबंगल, उत्तर प्रदेश में सिनोली, पूरे भारत में हड़प्पी संस्कृति के अवशेष हमको देखने को मिल रहे हैं। यानी पूरा देश उस समय समृद्धि के शिखर पर था।
हड़प्पी संस्कृति का सबसे जबरदस्त पहलू था उसका ड्रेनेज सिस्टम। वो ड्रेनेज सिस्टम इतना जबरदस्त था कि उसके जैसा आज भी हम बहुत से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं बना सके हैं। इतना जबरदस्त था उनका ड्रेनेज सिस्टम। और इस ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करने के लिए उन्होंने म्युनिसिपैलिटी जैसी संस्थाएं भी बनाई थी। हड़प्पा काल में सभी तरह के व्यापार होते थे। उस समय माइनिंग होती थी, हमारे प्रोडक्ट्स थे वो दुनिया भर में भेजे जाते थे, दुनिया भर से लोग भारत आकर रहना चाहते थे। जैसे कि आज हम लोग भारतीय लोग अमेरिका इंग्लैंड जाकर रहना चाहते हैं, उस समय दुनिया के लोगों का एक सपना था कि समृद्ध देश भारत में आकर बसना। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। मगर आपने स्कूल में क्या पढ़ा होगा कि ऋग्वेद 2500 या 3000 वर्ष पुराने हैं, परंतु यह सच नहीं है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख है। सरस्वती नदी को अत्यंत विकराल, बार बार जिसमें बाढ़ आती हो ऐसी विशाल नदी के रूप में सरस्वती नदी को दिखाया गया है। ये नदी हिमालय से लेकर निकलकर पंजाब हरियाणा सिंध गुजरात में बहती थी। सरस्वती नदी तकरीबन 3500 साल पहले सूख गई, परंतु आज भी सैटेलाइट इमेज में उस नदी का जो ड्राई रिवर बेड है वो देखा जा सकता है। तो एक मैगजीन है बहुत ही फेमस नेचर जिसका नाम है, ये साइंटिफिक जर्नल है, उसने बताया कि 6000 BC तक, यानी आज से 8500 साल पहले तक सिंधु नदी ने सूखना शुरू किया था। तो यानी ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख है, यानी ऋग्वेद 8500 साल से भी पहले लिखे गए थे और ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। यानी ये जो सबूत है ये दिखाता है कि ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन वेद है, हिंदू संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है और संस्कृति भाषा सब दुनिया की सभी भाषाओं की माता है, जिनमें से दुनिया की अन्य भाषाओं का उदय हुआ है। दोस्तों, एक तीसरा झूठ फैलाया गया है कि रामायण और भारत महाभारत ये मिथ थे, ये कभी घटित नहीं हुए, ये काल्पनिक कहानियां हैं। तो दोस्तों, भारत में देश में रामायण महाभारत को दंत कथा कहा जाता है, परंतु रामायण महाभारत के कई सारे एविडेंस आज भी उपलब्ध हैं। महाभारत में उल्लेख है कि अर्जुन जब द्वारिका में थे, भगवान कृष्ण इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तभी एक द्वारिका में प्रचंड भूकंप आया और पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। तो इसे कल्पना माना गया, लेकिन कुछ ही वर्षों पहले हमें समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी के अवशेष मिले हैं। यह दिखाता है कि यह घटना कितनी सटीक थी, महाभारत सत्य था। रामायण का सबसे बड़ा एविडेंस है राम सेतु, जिसका रामायण में उल्लेख है। यह मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे प्राचीन और विशाल मैन मेड मॉन्यूमेंट है, परंतु भारत के कमजोर इतिहासकारों ने इस सत्य को छुपाया। दुनिया में प्रेम की कोई सबसे बड़ी निशानी हो तो वो है राम सेतु। और सबसे बड़ा सत्य, रामायण महाभारत में अलग अलग प्रसंगों पर ग्रह नक्षत्रों की दिशा बताई गई है, दिशा और दशा बताई गई कि किस समय ग्रह और नक्षत्र किस दिशा में थे। तो दोस्तों, ग्रह नक्षत्र किस अवस्था में थे, युद्ध के समय किस अवस्था में थे, भगवान राम का जन्म हुआ तब ग्रह नक्षत्रों की दशा क्या थी, ये एस्ट्रोनॉमिकल डॉट जो डेटा है ये बहुत ही प्रिसाइज होता है। इसे काल्पनिक रूप से कोई माइका लाल नहीं लिख सकता, दुनिया की कोई भी व्यक्ति इसको काल्पनिक रूप से नहीं लिख सकता। सारा इस पर रिसर्च किया तो नासा ने अपने रिसर्च में पाया कि रामायण और महाभारत में जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा दिया गया है वो 100% सत्य है, परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये सारे सबूत बताते हैं कि रामायण और महाभारत सत्य घटना, ये कोई मिथ नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करके हमको इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित करने की कोशिश की गई। आई एम श्योर दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसका मैं दूसरा पार्ट भी आप लोगों के सामने लाने वाला हूं, तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।